के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। है सुफल दायिनी रामायण सुख धाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा रे, जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाली बाहर निकल, आज मैं तुझसे युद्ध करने आया हूँ। अरे क्या हुआ तेरी वीरता को, मेरी चुनौती सुनकर भी सामने आने का साहस नहीं है ना तुझमें? बारक कायर। तू फिर मुझसे मार खाने आ गया निर्लज्ज, क्या सोचकर आया है कि आज तू मुझे परास्त कर देगा? सुग्रीव, मैं आज तुझे भागने नहीं दूंगा। तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। किसकी मृत्यु किसके पास खींच के लाई है ये तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। अंतिम बार कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ मेरे भाई के लहू से रंगे। मैं तुमसे यहाँ बातें करने नहीं, युद्ध करने आया हूँ। चल मैदान में। ठीक है, आज तेरा मरना मेरे हाथों से ही लिखा है। आज तुझे कोई मुझसे नहीं बचा पाएगा। चल मैदान में, चल। Oh!
भ्राता बाली, भ्राता मत का मुझे सुग्रीव, तुम कायर हो तुम सुग्रीव, और बाली का भाई कायर नहीं हो सकता। तुमने मेरे साथ छल किया, अधर्म से युद्ध किया तुमने, तुमने मुझे मृत्यु दी होती तो मुझे दुख नहीं होता, पर तुमने मुझसे दिखावे का युद्ध करके किसी और के हाथों मरवा दिया सुग्रीव। मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। धिक्कार है तुम पर सुग्रीव, धिक्कार है। रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो ये बाण तुमने मुझ पर चलाया? हाँ बाली। किस मर्यादा का पालन किया तुमने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम? उस मर्यादा का, जो मर्यादा हमारे पूर्वज मानधाता ने इसी तरह का धर्मी को मृत्यु दंड देकर स्थापित की थी। तुम मुझे अधर्मी कह रहे हो राम? तुम अधर्मी हो बाली, तुमने कभी धर्म का पालन ही नहीं किया। अपने छोटे भाई की रक्षा करना, उसका पालन करना एक बड़े भाई का धर्म होता है, और तुमने तो अपने छोटे भाई को नगरी से निकाल दिया। यही नहीं, तुम उसके प्राणों के शत्रु बन गए। तुम तो अपना हर युद्ध अधर्म से लड़ते हो। तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम जिससे युद्ध करोगे उसका आधा बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये कहां का धर्म है? इस वर्ग का त्याग करके यदि तुम महाराज सुग्रीव से लड़ते तो वो धर्म युद्ध होता। तुम अधर्मी हो बाली, इसीलिए तुमने अधर्मी रावण से मित्रता की। समान शीलेशु वैश्यनेशु सख्यम, तुम दोनों की बुरी आदतें समान हैं। दोनों दूसरों की पत्नी का हरण करते हो। बलवान जो करता है वही धर्म है, यही तुम दोनों की विचारधारा है ना? तुम कहते हो मैंने तुम पर छुपकर वार किया, तो सुनो, किसी भी पशु पर छुपकर वार करना अधर्म नहीं है वानराज। जब हम शिकार करते हैं तब हम शिकार का छिपकर पीछा करते हैं और छिपके ही वार करते हैं। मैं पशु नहीं हूं राम। तुम नर पशु हो, तुम्हारा व्यवहार पशु समान है। बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी पर जो अत्याचार करता है वो पशु ही है। वो दो ही संबंधों को जानता है, नर और नारी। तुम भी दो ही संबंधों को जानते हो, नर और नारी, इसीलिए तुम कुदृष्टि डाली। पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी पुत्र वधू को जो समान दृष्टि से नहीं देखता, इसीलिए तुम पर बाण चलाकर मैंने कोई अधर्म नहीं किया। तुम जैसे अनाचारी अत्याचारी अधर्मी का दमन चतुरता ना होते हुए भी करना चाहिए। मैंने समाज को यह संकेत दिया है, क्योंकि तुम और रावण जैसे नर पशु
समाजद्रोही होते हैं, इसीलिए उनका विनाश परम आवश्यक है। महारानी मंदोदरी, आपका कल्याण हो। मैं अपने और आपके कल्याण के साथ साथ लंका का हित भी चाहती हूँ स्वामी। महारानी मंदोदरी, क्या आपको लंका का अहित दिखाई दे रहा है? सीता स्वामी, सीता का लंका में रहना लंका के हित में नहीं है। सीता का इस सृष्टि में आगमन लंका के विनाश के लिए हुआ है स्वामी। सीता वेदवती है स्वामी, सीता वेदवती है। वेदवती? मेरा नाम सुंदरी नहीं है दशानन, वेदवती है। कौन वेदवती? जिसने अपने आप को। महारानी मंदोदरी, सीता मेरे लिए केवल एक त्रिभुवन सुंदरी है। आप बस महारानी मंदोदरी, बस सीता के बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ध्यान रहे। माता त्रिजटा, जब से आपने रघुनंदन की एक ही बाण से सात ताड़ वृक्षों का एक साथ भेदन करने का समाचार दिया है, तब से मैं ये सोच रही हूँ कि रघुनंदन ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रमाण किसे दिया और क्यों दिया? किसे वो विश्वास दिलाना चाहते थे कि उनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति है? हो सकता है वे स्वयं अपनी धनुर्विद्या की परीक्षा ले रहे हों। वानर राज बालिक की किष्किंधा नगरी कहाँ है? ऋषिमुख पर्वत के पास ही है। और वो लंकेश का मित्र भी है? हाँ सीते, कहीं रघुनंदन लंकेश के मित्र बाली से युद्ध करने का तो नहीं सोच रहे होंगे? वो जो भी सोच रहे हैं उसमें मेरी यहां से मुक्ति ही उनका लक्ष्य होगा। माता त्रिजटा, मुझे जब भी रघुनंदन का कोई समाचार मिलता है मेरे मन में उत्साह का संचार होता है और उनके लिए कृतज्ञता भी जागती है। क्या क्या कष्ट सह रहे हैं वो, कितनी कठिनाइयों का, कितने संकटों का सामना कर रहे हैं वो मेरे लिए, केवल मेरे लिए। जय श्री राम। रघुनंदन,
बाप से मेरा कोई बैर नहीं था, कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी आपने आपने सुग्रीव को अपना और मुझे पराया समझकर मेरी हत्या का क्यों सोचा? बोलिए रघुनंदन। इसलिए कि महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं। तुमने उनके साथ जो अन्याय किया है उसके लिए तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। और रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तब प्राण जाने पर भी उसे पूरा करते हैं। दंड देने का अधिकार आपको किसने दिया? और वैसे भी दंड देने का अधिकार तो केवल राजा का होता है। अहंकारी वानर, अपने बुद्धि पर जमा हुआ अहंकार का बैल हटाकर देख, तब तुम जान पाओगे कि पर्वत अरण्यों के साथ साथ समस्त पृथ्वी लोक मनु ने इक्ष्वाकु वंशजों को दी है। ये समस्त भूमि इक्ष्वाकु राजाओं की है और इक्ष्वाकु वंशज होने के नाते पशु पक्षी नर नारी वानर सभी को दया अथवा दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। सत्य निष्ठा और धर्म इस समय समस्त पृथ्वी का पालन कर रही है, उनकी आज्ञा के अनुसार मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। हे बाली, सद्व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके संदर्भ में मैं तुम्हें मनु के दो श्लोक सुनाता। राजभीर धृत दंडाश्च कृत्वा पापा नि मानवाः निर्मला स्वर्ग मायान्ति संता सुकृतिनो यथा शासना द्वापि मोक्षा द्वा तेन पापात् प्रमुच्यते राजा त्व शासन पापस्य तद्वापनोति किल विषम। हे अधर्मी बाली, यदि राजा पापी को दंड देता है तो उससे पाप करने वाला तो अपना दंड भोग कर निष्पाप हो जाता है, परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड नहीं देता है तो उस पाप का दंड उस राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। हे बाली, तुम पर बाण चलाकर मैंने कोई अधर्म नहीं किया है, इसलिए तुम्हारी इस दशा से ना तो कोई मुझे संताप है और ना ही कोई पश्चाताप। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, मेरे अंतर चक्षु खुल गए हैं, मैंने आपको पहचान लिया है प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है। आपके बाण के कारण हो रही पीड़ा में मुंह से जो भी अपशब्द निकले हैं उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। मेरा अंतिम समय निकट है प्रभु, आपके चरणों की धूल अपने माथे से मैं नहीं बाली, हम तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए तुम्हारा उपचार करेंगे, तुम्हारी प्राणों की रक्षा करेंगे। रक्षा किस लिए कृपा निधान, रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा परंतु मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रभु के चरणों की रज फिर नहीं, फिर नहीं। हे भोलेनाथ महादेव, आप अपने भक्त दशानंद को सद्बुद्धि दीजिए। देवी, कृपा करके एक पल के लिए रुकेंगी? इससे पहले कभी आपको लंका के इस राजभवन में नहीं देखा। तेजस्वी हैं आप, अलौकिक रूप है आपका। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। आप कौन हैं? अपना परिचय देंगी कृपा करके?
मैं विजय लक्ष्मी हूँ महारानी मंदोदरी। जहाँ मेरा निवास होता है वहाँ पराजय की परछाई भी नहीं रह सकती। परंतु आप जा कहाँ रही हैं? दशानन की पुण्यों की राशि समाप्त होने को आई है, उसका तपोबल घटता जा रहा है। जब से वो उस पतिव्रता सीता को लेके लंका में आया है तब से मैं दुखी हूँ। उस पतिव्रता का तेज मुझे यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे रहा, इसीलिए मैं लंका का ये भवन छोड़कर जा रही हूँ। प्रणाम। परंतु देवी रुकिए, देवी रुकिए, देवी देवी आ। मैं कीर्ति लक्ष्मी हूँ, जहाँ विजय लक्ष्मी होती है मैं वही होती हूँ। प्रणाम। रुकिए देवी, देवी रुकिए, देवी। देवी देवी आप। मैं वैभव लक्ष्मी हूँ, जहाँ विजय लक्ष्मी और कीर्ति लक्ष्मी का निवास है मैं वही रहती हूँ। प्रणाम। रुकिए देवी, देवी रुकिए, देवी रुकिए, देवी आप। मैं राजलक्ष्मी हूँ महारानी मंदोदरी, जहाँ विजय लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी निवास करती हैं, वही मेरा निवास होता है। प्रणाम। रुकिए देवी, देवी रुकिए, देवी रुकिए, रुकिए देवी, देवी आ। मैं सौभाग्य लक्ष्मी हूँ महारानी मंदोदरी, अपने बल और सामर्थ्य पे विश्वास करके दशानन ने मुझे ठुकराया है, मैं लंका छोड़कर जा रही हूँ। प्रणाम। देवी देवी रुकिए, रुक जाइए। महारानी आप ठीक तो हैं? अभी अभी यहाँ से 5 देवियाँ चली गई। यहाँ से? नहीं तो महारानी, यहाँ से तो कोई भी नहीं गया। तो क्या मैंने अशुभ स्वप्न देखा, वो भी दिन में? हे महादेव शिव शंकर, लंकेश और लंका पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। राम राम भैया नहीं सुग्रीव, मत रो, मृत्यु तो सभी को आती है, परंतु प्रभु श्री राम की गोद में मरना कदाचित इस बाली के ही भाग्य में लिखा था। राम। नहीं भैया। राम राम, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे कहीं? नहीं सुग्रीव, जाना तो पड़ेगा, परंतु मेरे गले में ये देवराज इंद्र की दी दिव्य स्वर्ण माला अपने शरीर में धारण कर लो। नहीं भैया, मुझे ये दिव्य स्वर्ण माला नहीं चाहिए, मुझे ये दिव्य स्वर्ण माला नहीं चाहिए। नहीं, किष्किंधा में लक्ष्मी का अवतार वास है सुग्रीव, मेरे मृत शरीर पर यदि यह स्वर्ण माला रहेगी तो इसका विजय श्री समाप्त हो जाएगा। आ, 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 मेरे प्राणों के निकलने से पहले तुम ये दिव्य स्वर्ण माला धारण कर लो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। रघुनंदन। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हनुमान हनुमान, समय नष्ट मत करो, ये दिव्य स्वर्ण माला मेरे गले से उतार कर राजा सुग्रीव को पहना दो, अब किष्किंधा तुम्हारी है सुग्रीव। राम 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 राम। राम राम राम। नहीं, किष्किंधा के महाराज सुग्रीव, विजयी भवा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
अब तुम्हारा ये धर्म है कि प्रभु श्री राम के साथ मित्रता निभाओ और उनकी सहायता का जो वचन दिया है उसे अपने प्राण देकर भी पूरा करना। ये सिद्ध कर देना सुग्रीव कि रघुकुल की तरह हम वानर कुल भी अपना वचन निभाना जानते हैं। रघुनंदन।